stories are getting changed. So these things create so energetic एंड appreciative एटमोसफेयर कि जब ये सब चीजें अलग हट जाती हैं, जो भी हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो हट जाते हैं और उसकी जगह पर हम अपने बच्चों के लिए, अपने साथी शिक्षकों के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण की परिकल्पना करने लगते हैं, तब हमारा जो विजन है वो बहुत वाइड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो इस वाइड विजन के आधार पर जब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और आगे, तो हमारे पास एक नया कॉम्पोनेंट हर बार निकल कर सामने आ जाता है, एंड दैट इज दैट शुड बी कल्टिवेटेड इन द हैबिट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। तो वर्ण व्यवस्था की हमने बात की कि वर्ण व्यवस्था में जब धीरे धीरे ये सब चीजें, सिद्धांतवादी वर्ण जो शिक्षण पद्धति है वो दी जाने लगी, फिर मुगल काल ये, तो किस प्रकार से उसमें उन्होंने अपने पैरामीटर्स के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए। फिर जब ब्रिटिश का आगमन हुआ, जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ पर, तो कल्चर कि उन्होंने बहुत इतनी सुगठित और इतनी मूल्यवान संस्कृति उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि कितने सिद्धांत हैं, कितना आगे विज्ञान के क्षेत्र में या ज्योतिष के क्षेत्र में, कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में कितनी विरासत है हमारी। तो उनके मन में कहीं ना कहीं आया कि नेचुरल साइट ऑफ देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण कि दिस कंट्री शुड बी स्लेव्ड। तो उन्होंने उस बिंदु को आधार बनाकर हमारे देश पर आक्रमण किया और उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि एनी हाउ वी हैव टू रूल ओवर दिस कंट्री, वी हैव टू जस्ट मेक ऑल द फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर फाइंड हियर। तो इस बिंदु को आधार बनाकर लॉर्ड मैकॉले को यहाँ भेजा गया, एंड इट वॉज सैड कि आप जाइए और जाकर देखिए कि भारतीय संस्कृति की क्या परिकल्पना है, किस प्रकार से हम उस देश को अपने अधीन कर सकते हैं, कि इतनी इतनी इस संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, विचारों पर इतना गहन प्रभाव है कि उनके विचार बहुत ज्यादा कैप्चर्ड नहीं किया जा सकता जा सकता। तो दैट वाज अ वेरी मेन पॉइंट टू थिंक। इस पॉइंट के पर जब उन्होंने विचार किया, मंथन किया, तो दे हैव जस्ट गिव द कंक्लूजन दैट दे शुड ट्राई टू फ्रेम अप सच टाइप ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट कैन बी ओवरलैप्ड द इंडियन टेंडेंसी एंड इंडियन थिंकिंगनेस। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना होगा कि जिसके माध्यम से हम जो इंडियन माइंड्स हैं उनको ओवरलैप कर सकें। तो हमारे मस्तिष्क को उन्होंने कंट्रोल में करने के लिए दे हैव जस्ट डिजाइन अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। दिस वाज सैड कि लॉर्ड मैकॉले सैड कि भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यदि उनमें से एक भी जड़ को निकालने का प्रयास किया जाए तो भी ऐसा संभव नहीं है कि भारतीयों की मानसिकता को लुप्त प्राय किया जा सकता है। सो दिस लाइन शोज दैट दे वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। दे हैव ओनली द फोकस अबाउट द वेल्दीनेस प्रॉस्पेरिटी दैट लाइज इन इंडियन कल्चर, कि उनकी नजर क्या थी, सिर्फ और सिर्फ कि जो हमारी समृद्धता है उस समृद्धता को हमसे छीन लिया जाए और हमें इतना निर्धन बना दिया जाए, इतना डिपेंडेंट बना दिया जाए दैट वी हैव टू ओबे वॉट एवर दे आर गोइंग टू बी सेड, कि जो भी वो कहें वो हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड मैकाले की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से एक एजुकेशन सिस्टम आया, एंड दैट वाज द किंडरगार्टन पद्धति। बिकॉज दे थॉट दैट इफ वी वांट टू रिवाइव इंडियन कल्चर, अगर हमें लगता है कि हमें रिवाइव करना चाहिए, हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, हमें न्यू फ्रेम अप डिजाइन करना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इनके सोचने और समझने की शक्ति को ह्रास करना होगा, समाप्त करना होगा। बिकॉज दे डोंट नीड द क्रिएटिव पर्सन, दे नीडेड ओनली द क्लर्क्स जो उनकी बात को मान सकें, जो उनके कहे अनुसार उनके ऑर्डर को फॉलो कर सकें। सो किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा उन्होंने क्या किया, हमारे किड्स के माइंड को फ्रेम अप करना शुरू कर दिया कि जैसा बच्चों को सिखाया जाएगा प्ले स्कूल से, वैसा ही उनका एक पूरा सेटअप बनता चला जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो युवावस्था की तरफ पहुंचेंगे, उन हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, वो उन्हीं को स्वीकार करेंगे, राइट? सो ये कहा जा सकता है कि जब किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत हुई, तभी से हमारे छोटे बच्चे जो हैं उनके माइंड को बिल्कुल एक एक्सरे की तरीके से, एक फिक्स्ड जिस तरीके से माउल्ड में डाला जाता है किसी प्रोडक्ट का अगर हम निर्माण करते हैं, तो
और उसमें से वही शेप निकल कर आती है दैट वॉज डिजाइंड। तो वही चीज उन्होंने सोची कि जैसी हम एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लागू करेंगे उसी प्रकार के विचार हमारे यहाँ के निवासियों के मन में पनपेंगे और फिर हम उनको उसी प्रकार से अपने अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। एंड दैट वाज रियली फ्रूटफुल। तो ये मॉडल उनका फैक्ट्री मॉडल कहलाया गया। तो यहाँ फैक्ट्री मॉडल के बारे में अगर आप में से कोई परिचित है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ साथ हम आगे भी बढ़ते चलते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू शेयर माई पीपीटी ऑल्सो। When it got shared, please। तो यहाँ हम जिसे बात कर रहे हैं कि किस प्रक्रिया का रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़े, इन सब चीजों को देखते हुए कैसे कैसे हम अपने जीवन में, अपने शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये कहने वाली बात है कि धीरे 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 हम और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से अपनी शिक्षण पद्धति को आगे लेकर जाएंगे, ये सब चीजें हमारे जीवन में इस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ जब बात आ गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूपांतरण की, तो मैकॉले के द्वारा ये कहा गया कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में इन सब स्थितियों को हाँ मैडम, अबाउट इट। सो हाँ सो हो रही है, सो हो रही है। जी जी ओके मैम, बट इट इज नॉट क्लियर। ओके। तो यहाँ अभी हमने बात की कि किस प्रकार से हम उस पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदल सकते थे। तो ब्रिटिश ने वही किया। उन्होंने क्या किया, हमारे संस्कृति में जो थिंकिंग की जो पावर थी, जो चिंतन मनन और मंथन का जो हमारे अंदर कैपेसिटी थी, सबसे पहले उसी को टारगेट बनाया। यानी हमारा जो इतना क्रिएटिव को करिकुलम हुआ करता था, पाठ्यक्रम जो हमारा इतना सुगठित था, इतना क्रियाशील, मौलिकता थी, सृजनात्मकता थी, उन्होंने सबसे पहले उसी चीज को खत्म किया और अपना सिलेबस तैयार किया और उस सिलेबस को बच्चे को रटाया जाने लगा। तो यहाँ जो थिंकिंग करने की शक्ति थी, वो थिंकिंग करने की पावर उनकी धीरे धीरे खत्म होती चली। अब यहाँ जब थिंकिंग करने की पावर खत्म हो गई, तो इस तरीके से हमारे सामने निकल कर आया फैक्ट्री मॉडल। अब जिस तरह से हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है हमारे पास धन कितना है, हमारे पास जमीन कितनी है, हमारे पास वर्किंग पर्सन कितने हैं, हमें किस एरिया में वो प्रोडक्शन करना है और हमारे पास मार्केटिंग के कौन कौन से साधन हैं। तो ये सब क्या हो गए, इनपुट हो। और जब ये सारे इनपुट हमारे पास, तो फिर हम उनमें प्रक्रिया कौन सी प्रयोग करें जिससे कि हमारे सारे ही इन संसाधनों का उचित प्रयोग हो सके। तो उसमें ऑब्वियसली जब भी फैक्ट्री लगाई जाती है तो सभी इनपुट्स को रखा जाता है, एक पूरी निश्चित प्रक्रिया होती है कि आपने रॉ मटेरियल डाला, आपने स्विच ऑन किया, रॉ मटेरियल से फिर माउल्ड में वो चीज मूव करती है, फिर माउल्ड के बाद वो तब उसका फाइनल प्रोडक्शन आता है कि फाइनल प्रोडक्ट निकल के बाहर आता है। तो दैट वाज द आउटपुट। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि किंडरगार्टन पद्धति का जो सिलेबस था वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय इस तरह से उन्होंने बनाया, डिजाइन किया और बार बार उसको एक प्रोसेस के तहत बच्चों को रिपीट कराया जाने लगा। यानी बच्चों की सोचने समझने की शक्ति की बजाय उसको रटने की प्रवृत्ति, क्रामिंग की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और बार बार रिपीटेशन कराने की वजह से बच्चे ने ए फॉर एप्पल ही सीखा। ऐसा नहीं कि उसने ए शब्द से शुरू होने वाले और चीजों को देखा और बाद में ए को, ए फॉर एप्पल के लेटर फॉर्मेशन को जाना। नो, पहले उसको ये पिक्चर दिखाई जाने लगी कि दिस इज ए एंड दिस इज एप्पल एंड ए फॉर एप्पल, यानी जो विजुलाइजेशन हम देंगे आप उसी को देखेंगे। तो इस तरह से ये फैक्ट्री मॉडल था कि लॉर्ड मैकॉले के द्वारा जो किंडरगार्टन पद्धति के लिए कार्य किया गया, ब्रिटिश की पूरी जो हाइपोथेसिस थी इस बारे में, उन सब चीजों के आधार पर एक करिकुलम डिजाइन कर दिया गया और उस करिकुलम को हमारे बच्चे आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन समय बदला, जब 1947 में आजादी की बिल्कुल हम मूर्त रूप में पहुंच गए, हमें आजादी मिल गई, तो उस समय एक प्रश्न चिन्ह था सभी के मस्तिष्क में, नाउ व्हाट, कि अब क्या करें। बिकॉज इतने लंबे समय की गुलामी के बाद जो क्रिएटिव थिंकिंग थी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो भी स्वतंत्र होकर सोचता था उसी को दंड मिलता था। तो धीरे धीरे जो मानसिक सुप्तता है वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पे पहुंच गई। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद
अर्थात एक नई वैचारिक शक्ति को जागृत करने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए सभी ने मिलकर प्रयास करने की सोची, तब आस्क डिस्क्राइब आस्क मॉडल को रखा गया कि पहले हम ये पूछें कि हमारी जो वर्तमान समय में हमारे जो यंगेस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो कितना जानते हैं, उनकी सोच कहाँ तक है, उनकी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो पहले उनसे आस्क करने की बात की कि आप जाइए, आप एज अ टीचर यू हैव टू गो टू द क्लासरूम एंड आस्क द स्टूडेंट व्हाट दे वांट टू नो, कि उनके एक्सपीरियंसेस आप शेयर करिए, आप ये जानने का प्रयास करिए कि उन्हें कितना आता है। और जहां पर आपके बच्चे रुक जाए, यानी उनका डिफिकल्टी लेवल आ जाए, वहीं से आप डिस्क्रिप्शन देना शुरू करें बच्चे के ज्ञान का, वहां से आप आरंभ करना शुरू करें कि आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाए, आप बच्चे की क्यूरोसिटी को शांत करने में सफल हो जाए, उसके बाद उनसे दोबारा पूछें कि व्हाट यू हैव लर्न टुडे, कि आपने आज क्या सीखा। अब जब ये क्या सीखा वाली स्थिति आती है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रिकॉल करता है, पुनर्स्मरण करता है कि व्हाट आज उसने सुबह से क्या क्या किया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, कि जब बच्चा ये सोचता है कि उसने सुबह से क्या किया तो वो रिफ्लेक्शन करता है, चिंतन करता है, और यही चीज तो हमें चाहिए कि बच्चा सोचना आरंभ करे। तो यहाँ आस्क डिस्क्राइब आस्क मॉडल के लिए कहा गया कि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षण कराया जाए, उनके लिए जो पैरामीटर, जो मानदंड सेट किए जाए वो उन्हीं के ज्ञान के चिंतन के आधार पर हो, उनकी बौद्धिक क्षमता को चेक करके हो, उनके इंटरेस्ट के आधार पर हो, उनके अनुभव को शेयर किया जाए। ओनली देन अ टीचर कैन सर्टिफाइड द स्ट्रेटेजी हैज बीन सक्सेसफुल। एक टीचर को ये तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो अपनी क्लास के स्टूडेंट के मेंटल लेवल को समझ कर, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को, उसकी बौद्धिक क्षमता को समझ करके अपनी रणनीतियों का निर्माण करे, अपनी रणनीतियों को कक्षा में लागू करे एक निश्चित प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के आधार पर बच्चों की क्वेरीज को ले कि आपने इतना सीखा, अब आपको और क्या सीखना है, इस विषय के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, आपने एक कहानी पढ़ी, इस कहानी में आपने इन इन विभिन्न बिंदुओं पर बात की या इन इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा और क्यों। क्योंकि हमें क्या करना है, जो थिंकिंग पावर खत्म हो चुकी है हमें उसे जगाना है, उस चेतना को दोबारा लाना है। सो दिस मॉडल वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट मॉडल एट दैट टाइम, बट एज वेल एज द प्रोग्रेस गोज ऑन, की जैसे जैसे उन्नति होती चली जाती है, हमारे कंसेप्ट बदल जाते हैं, ट्रेडिशंस बदल जाती हैं, हमारी डिजायर्स चेंज हो जाती हैं, एंड ऑब्वियसली हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव भी बदल जाते हैं। तो अपने सर्टिफाइड टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर ये महसूस किया जाने लगा कि 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो एक इंडस्ट्रियल बूम आई, उस क्रांति के माध्यम से ये समझ आ जाने लगा कि केवल इतना ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा। और उस इनोवेशन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम चली आ रही है उसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें हटा देना चाहिए, और कौन से ऐसे मेन जोन्स हैं, उन जिन जोन में हमें आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक नया कंसेप्ट निकल कर आया, कोचिंग एंड मेंटरिंग। अभी कोचिंग और मेंटरिंग आप लोगों ने बहुत शब्द सुने होंगे, तो आप में से कोई भी साथी चैट बॉक्स में लिख सकता है या बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोच एंड कोचिंग। अब अगर हम बात करें कोचिंग की, तो यहाँ जब भी हम अपने बच्चों को नॉर्मली अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में यही टारगेट आता है कि जैसे ही हमारे बच्चे एट्थ क्लास पास आउट कर लेते हैं हम उनको एक बड़े से इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं जहां पर उन्हें सब्जेक्टिव नॉलेज दी जाती है। उसको हम कोचिंग बोल देते हैं, बट इट डजंट मीन द कोचिंग। कोचिंग मीन्स एडिशनल सपोर्ट, कि वो सहयोग, वो अतिरिक्त सहयोग जो किसी बच्चे को अथवा किसी बड़े को
चाहिए होता है अपने आप को फर्निश करने के लिए। तो यही कोचिंग की संकल्पना रखी गई कि अगर हमारे बच्चों को आज के समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें कोचिंग में भेजना होगा। अभी कोचिंग की जो बात आ गई है, इस कोचिंग के साथ साथ जो उस कोचिंग की वो व्यक्ति कोच है, हमारे मन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की रिजेम्बलेंस आती कि कोच कौन है, कि कोच वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट को अपना एडिशनल सपोर्ट दे रहा है, अपनी अपने जो स्किल्स हैं वो शेयर कर रहा है, अपने कौशल बच्चों को बांट रहा है कि कैसे वो अपने काम को अच्छी प्रकार से संपादित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स के फील्ड में ही सेवाएं देने वाले व्यक्ति को कोच नहीं कहा जा सकता। कोच हर वो व्यक्ति है जो हमारे कौशल को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करता है, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारे समाज का हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो। एनीबडी कैन बी कोच। लेकिन अंतर थोड़ा हो जाता है कोच में, क्या कि सबसे पहली बात, जो कोच है वो एक हमेशा ट्रेनर की तरीके से व्यवहार करता है और हमेशा वो एक गाइड के तौर पर हमारे साथ रहता होता है कि वो हमें टोकते तो है बट जो भी अमेंडमेंट बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होती है एनी हाउ। बट यहाँ जो कोच और कोची की संकल्पना है, कोच इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स अ सर्विस, जो सेवाएं देता है। तो यहाँ ये जो एटीट्यूड होता है कोच का, वो एक ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा के रूप में अपने आप को रखता है और ही ओनली गिव्स द गाइडलाइंस एंड दैट आर टू बी फुलफिल्ड बाय ईच एंड एवरी कोची, कि जो भी गाइडलाइन उसके द्वारा दी जाती है उसको फॉलो करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं हम मेंटर की। मेंटर इज जस्ट करता है, अपने बने बनाए नियमों को निर्देशित करता है, अपने बने बनाए सिद्धांतों को हम पर लागू करता है। लेकिन मेंटर के साथ ऐसा नहीं होता। मेंटर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही चेक आउट, ही असेस अस, वो हमें हमारा आकलन करता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे पोटेंशियल को जांचने की कोशिश करता है कि हमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, वीकनेसेस पे थोड़ा सा वर्क करके उसको दूर किया जा सकता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मेंटर। वो हमेशा सपोर्टिव होता है, ही इंस्ट्रक्ट, वो इंस्ट्रक्ट भी करता है, दिशा निर्देश देता है, लेकिन उन दिशा निर्देशों के साथ साथ वो हमें सुझाव भी देता है कि हम इस प्रकार से इस वीकनेस को दूर कर सकते हैं या अपने इस योग्यता का संवर्धन इस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लें। हसन वासी जी अपना माइक ऑफ करिए, आप जारी रखें। ओके, थैंक यू सर। तो मेंटर के लिए एक और सबसे खास बात होती है कि क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव होता है, क्योंकि वो हमारी पोटेंशियल को समझ चुका है, हमारे अंदर क्या योग्यताएं हैं और वो हमारी कमियां भी जानता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही रिलायबल हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है ना, मित्रवत व्यवहार हमारे साथ करता है, वो कभी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता। तो जब हमें डोमिनेशन नहीं मिलता, फ्रेंडली बिहेवियर मिलता है, तो हम भी अपनी कमियों को दूसरे के मुंह से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी ईगो हर्ट नहीं होती। तो वो बहुत रिलायबल यानी विश्वसनीय व्यक्ति की भांति। तो उसकी एक और बहुत अच्छी हैबिट होती है कि वो बहुत एक्सप्लोरेटिव होता है, अन्वेषणकर्ता के रूप में बहुत क्रियाशील होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, हमेशा कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए जुड़े हुए व्यक्तियों को भी हमेशा वो कुछ नया देने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जो मेंटर है और जो मेंटी, मेंटी मींस जो उनके अंडर में रहकर सीखते हैं, तो मेंटर और मेंटी दोनों एक लर्निंग प्रोसेस के तहत कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिलायबल होते हैं, दोनों एक दूसरे को सजेशन के साथ एक साथ ही साथ हमें कह सकते हैं कि वो ऑल्ट्रिस्टिक भी होते हैं, कि जिस प्रकार से घर में एक अगर हम माँ की भूमिका देखें तो माँ सबकी कमियों को छुप प्रयास भी करती है, कभी वो प्रशंसा करती है, कभी जो कमी है उसको छिपाती है दूर करने के लिए और सुधार करने के लिए।
तो वही एटीट्यूड होता है, जब भी उसे लगता है उसकी टीम के किसी एक मेंबर के अंदर ये कमी है और इस कमी को दूर किया जा सकता है, और यदि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट इनको मिल जाता है तो दैट ड्रॉबैक शुड बी ओवरकम। तो वो एक पैच वर्क की तरह से काम कर, जिस तरह से किसी फटे हुए कपड़े को सिला जाता है, उसमें अगर सिल नहीं सकते हैं तो उसमें पैच लगा दिया जाता है, तो उसी प्रकार से कमियों को दूर करने के लिए एक दायित्व का एक नया पैच लगा देना, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरिस्टिक एटीट्यूड। यहाँ पर वो हमेशा एक सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में होता है, वो हमेशा फैसिलिटेट करता है। समाधान अगर मेंटी की तरफ से आ रहे हैं दैट इज वेरी गुड, अप्रिशिएटिव बिहेवियर में उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, बट इफ देयर इज नो सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट बाय द मेंटी, तो ऐसी अवस्था में वो आगे बढ़कर सपोर्ट करता है। सो वी कैन से कि कोच और मेंटर, ये दो हमारे यहाँ जो पर्सपेक्टिव निकल कर आए रिसेंटली 10-12 years में, यू हैव लिसन अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम जब बात करते हैं आगे, तो ये पता चलता है कि किस प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ साथ परिकल्पनाएं बदलती जा रही हैं। अगर अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे तो मेंटोरशिप को लेकर काफी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल लीडर की जो परिकल्पना है उस पर बहुत बल दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में कोच और मेंटर, इन दोनों ही भूमिकाओं का निर्वहन करें। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के रूप में अगर देखा जाए तो उनको ये कहा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो भी एक कोच थे, बिकॉज उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने हमेशा ये कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके माध्यम से हम बदल सकते हैं पूरे विश्व को, और पूरे विश्व को बदलने की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, वो कहीं ना कहीं हमारे विजन को भी विस्तारित करती है, कि हमारी जो अंतर्दृष्टि है वो भी विस्तारित होती है। और वो किस प्रकार से विस्तारित होती है कि जब हम धीरे धीरे बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं, द नेसेसिटीज वॉट एवर बींग आस्क फ्रॉम टाइम वी कैन फुलफिल दैम। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो धीरे धीरे एजुकेशन की नवीन संकल्पना हमारे सामने आती चली गई, उस नवीन संकल्पना को और ज्यादा स्ट्रॉन्गली लागू करने के लिए हम सभी को ये सोचना पड़ा कि इट शुड बी लाइक द कोच और द मेंटर, क्योंकि जो डोमिनेटिंग नेचर होती है वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती, और कोच के लिए वन साइडेड डिसीजन मेकर कहा जाता है। तो इस टेंडेंसी को चेंज करने के लिए कहा गया कि हमें कोच के विजन से हटकर हमें एक मेंटर के विजन पर आगे बढ़ना होगा। तो इन सब चीजों को देख करके हम अपने विजन को आगे बढ़ाते चले गए, और धीरे धीरे हमारी जो परिकल्पना है कोच की और मेंटर की वो बदलती चली गई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था हमारी बदलती चली गई, उसी प्रकार से कोच का जो एटीट्यूड था, जो कोच की परिकल्पना थी, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक पिक भी देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम, दिख रहा जी, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, अगर इफ समबडी वांट्स टू गिव द आंसर, आपको क्या लग रहा है ये पिक देखकर कि किसका ये चित्र है और उसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? एक हमको लग रहा है बेसबॉल टीम के ये कोच हैं और ये जी अपने खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं किसी गलती पे या जैसा ही हो, कि उनका एटीट्यूड कुछ इसी तरह का लग रहा है कि कोई गलती हुई है जिसपे वो अपने खिलाड़ियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सही, आपने एटीट्यूड शब्द का यूज किया है ना, तो आपको कैसे लग रहा है इनका एटीट्यूड कि किसी गलती पर समझाया जा रहा है? उनके समझाने के ढंग से, जिस हाँ, तरीके मतलब एक्चुअली तो फेस इफेक्ट दिख रहा है। एग्रेसिव लग रहे हो, या एग्रेसिव लग रहे हो। ओके, फेस इफेक्ट से समझ में आ रहा है, बच्चों को बता रहे हैं ऐसा लग रहा है, निर्देश दे रहे हैं, वो उनको मोटिवेट मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको के अपने गोल के प्रति जो लक्ष्य रखा है उसके प्रति थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ में काम करें,
और एग्रेसिव हो गए वो दिखा रहे हैं मोटिवेट करके जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा आई फील वन साइडेड है वो सुन नहीं रहे बोल रहे हैं बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शनल है या राइट सो ओवर यू ऑल हैव जस्टिफाई द पिक वेरी वेल कि आपको लग रहा है कि उनका एटीट्यूड ऐसा है फेस पे स्टर्ननेस है रिगिड बिहेवियर लग रहा है फिंगर कहीं ना कहीं वो टारगेट ओरिएंटेड रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना तो सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोच. अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे. अब इतनी सारी बातें हमने कोचिंग के बारे में कर ली कि कोच कैसा है कि वो बहुत वन साइडेड पर्सन होता है इंस्ट्रक्शन देता है सॉल्यूशंस को सीख करने की कोशिश करता है बट जस्टिफाई हमेशा इसी प्रकार से किया जाता है. तो यहाँ देखें सबसे पहले अभी आप लोगों ने कहा कि वो मोटिवेशन दे रहे है ना तो वही मोटिवेशन हो गया कि एक कोच को हमेशा अपने कोची के लिए मोटिवेशन देने के लिए तैयार रहना चाहिए. और उसे अब आप नेक्स्ट पिक देख रहे हैं उसी में कि एक एरो बना हुआ है यानी उसे हमेशा टारगेट ओरिएंटेड रहना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के रूप में हम बहुत जल्दी स्कैटर्ड हो जाते हैं हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है हमारे मुद्दे से हमारे लक्ष्य से है ना अक्सर होता है बच्चों के साथ हम भी ऐसा कर देते हैं अभी भी. तो जो कोच होता है वो कभी भी अपने कोचीज को टारगेट से हटने नहीं देता हमेशा सेंट्रलाइज्ड करता रहता है. उसके साथ साथ आपने देखा होगा कई बार क्या होता है जब भी मैच रेडी हो मैच के लिए हम रेडी होते हैं और मैच चल रहा होता है तो सामने जो कॉम्पिटिटिव टीम है हमारी अगर उसकी स्ट्रेटेजी हमें बदलती हुई लगती है तो तुरंत हम क्या करते हैं अपनी टीम में भी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट है ना. तो तुरंत के तुरंत वर्क जो है सबका चेंज कर दिया जाता है सबके रोल चेंज कर दिए जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि हमारा जो कोच है वो हम सभी के पोटेंशियल को जानता है हमारी एबिलिटीज को जानता है कि हम किस परिस्थिति में किस योग्यता के द्वारा इस रिजल्ट को ले सकते हैं. तो उसके अंदर ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन पावर भी होती साथ ही साथ वो चाहता है एनी हाउ हम डेवलप करते रहें अपने आप है ना हम विकास करें अपना जिससे कि हमें कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क ना रह जाए. इस चीज के बारे में अभी हम और आगे बात करेंगे. साथ ही साथ वो हमेशा प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे अवसर कि हमारी स्किल डेवलप हो जाए कौशल हमारे विकसित हो जाए. उसके लिए वो बार बार हमारे सामने नए नए चैलेंजेस रखते हैं राइट. कभी हमें से ज्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन के साथ अब आपने जैसे दंगल मूवी देखी होगी तो उसमें उन्होंने फादर तो दीज आर द चैलेंजेस कि बहुत ज्यादा इंटीमेट सपोर्ट नहीं होता है ना कैजुअल सपोर्ट. कुछ नई टेक्नोलॉजी नई कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं या नई ऐसी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं वो हमें मेक योर सेल्फ अमेंड फॉर दिस थिंग. तो इस तरह से उनके द्वारा दिए जाने वाले छोटे छोटे उसके बाद जब हम इसे टफ प्रोसेस से गुजर जाते ऐसा मैच्योरिटी लेवल आता है जहां पर वो हमें सपोर्ट करते हैं और फिर हम उनसे आगे दिशा निर्देश मांगते हैं. आप देख भी रहे ना लास्ट वाली पिक में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है यानी हमेशा वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सामने वाला उसको सुनता है. एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब यही कि मुझे मिलने का मौका मिलेगा क्या मैं कुछ अपने आप कर पाऊंगा क्या मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी. तो इट मीन्स क्या है जो कोची है दैट इज बाउंडेड चाहे वो रूल्स के अकॉर्डिंग बाउंडेड हो चाहे उसकी अपनी कुछ सरकमस्टांसेस हो चाहे उनके अपने कुछ डोमिनेटिव पॉइंट्स हो. तो ये पूरे कोचिंग की संकल्पना थी जिसके माध्यम से हम किसी के भी रोल को समझ पाते हैं कि वो कोच है या कोची है या मेंटर है या मेंटी है. तो अब इसके बाद हम एक मेंटर के विजन के रूप में आते हैं आपके समक्ष कि यहाँ पर अगर हम बात करें मेंटोरशिप की तो जैसे मेंटोर के लिए मैंने आपसे बात की थी कि जो मेंटोर होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है वो हमारे पोटेंशियल को जानता है समझता है उसके अंदर इतना विश्वसनीयता होती है कि उस विश्वसनीयता के कारण वो हम सभी का विश्वास जीत लेता है हमारे साथ सपोर्ट करता है ऑल्ट्रिस्टिक की तरह हमारी कमियों को पैचअप करने की भी कोशिश करता है वो हमारे विजन को भी बहुत वाइड करता है. तो ये मेंटोर की जो संकल्पना कि कोच और मेंटोर को लेकर के हमारे जो धारणा है अगर अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आई एम हियर जस्ट टू सॉर्ट आउट एवरी क्वेरी ऑफ योर्स. आप में से जिस भी पर्सन की कोई क्वेरी है कहीं कुछ
आपको कुछ पूछना है तो आई कैन शेयर। कृपया जो भी आपके सवाल हो चैट बॉक्स में लिख दें, मैडम बारी बारी से आपके जवाब दे देंगी। बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंट किया मैडम ने, काफी अच्छा समझ में आया और ऐसी चीजें हमारे उसमें पहली बार मिल रही हैं हम लोगों को, तो इसलिए बहुत ही इसके विभाग के द्वारा और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए नंदीला मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक गुजारिश है कि इसकी अगर PDF हो तो वो अगर शेयर हो जाए तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा क्योंकि ये एक बार हो जाता है तो रिपीट होना बहुत जरूरी है, तो वो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, तो PDF फाइल अगर कहीं सेंड हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी पीपीटी, ये पूरी मैडम पीपीटी जी शेयर कर दीजिएगा हाँ जी जी सर, को या एडमिन एडिटर्स में डाल दीजिएगा। हाँ सर, एक्चुअली ये पीपीटी स्टेट लेवल पर बनी हुई है और ये सर्वे स्तर के पास है और सभी एडु लीडर की जो एडमिन है उनके पास पहले भी भेजी जा चुकी थी, तो आप लोग सर्वेश्वर सर या विमल सर से आप लोग ले सकते हैं, बाकी अगर मुझसे शेयर करनी है तो मैं भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा तो यहाँ अभी क्या है कि ये ना जैसे आज मिल गया, अभी क्या है अगर हमें PDF मिल जाती है उसको क्या है हम देखते हैं तो अभी हमने जो सुना है वो एकदम फील्ड हो जाएगा परमानेंटली, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। सुरवीर सिंह जी आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप इसको दोबारा से देख लेते हैं तो फर्क क्या होगा कि वो परमानेंट हो जाएगा फिर, इसलिए थोड़ा सा हो जाएगा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा PPT। जी जी उनकी तरफ से एक क्वेश्चन है कि हमें मेंटर की भूमिका निभानी है या कोच की, और साथ ही प्रीति मैम ने भी डाला है कि कोच और मेंटर में डिफरेंस, वन मेन डिफरेंस, तो जो मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बार बार जैसे हमने रिपीट भी किया कि जो एक कोच होता है वो अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने नियमों के आधार पर एक बंधी बंधाई परिपाटी पर दूसरे को प्रदान करता है अपने द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के माध्यम से, लेकिन जो एक मेंटर होता है वो किसी निश्चित रणनीति का प्रयोग नहीं करता, अपनी बनाई हुई रणनीति प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं करता, बल्कि उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हर व्यक्ति की योग्यता उसकी रुचि उसकी दशा के आधार पर निर्धारित होती है, बदलती जाती है। सपोज यहाँ मैं अगर एग्जाम्पल ले लें, आप यू आर नॉट गेटिंग लेट, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको क्लियर करना चाहूंगी। हम में से बहुत लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल टीचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटर एंड कोच बोथ। हाँ सर, मैं बिल्कुल इसी बात पर आती हूँ। यस आल्सो वर्क एज अ मेंटर, so in whole we can say that the teacher is a coach. Yes sir, yes definitely. देखिए हम में से बहुत लोगों ने चक दे इंडिया मूवी देखी है, उसमें हमने शाहरुख खान का रोल देखा है ना, एक तरफ हमने दंगल भी देखी उसमें महावीर, उसी दंगल फिल्म में हमने गीता बबीता के कोच जो थे उनका रोल भी देखा है ना। तो डिफरेंस अगर मैं चक दे इंडिया से भी शुरू करती हूँ तो वहां जब शाहरुख खान ने ज्वाइन किया था एज अ कोच तो उसके जो टीम के जो प्लेयर्स थी गर्ल्स उनका एटीट्यूड शाहरुख के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। ये सब चीजें आपकी तरफ से निकल कर आ सकती हैं, बट मुझे लगता है समय कम है इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ब्रीफ करने की। तो लेकिन क्या हुआ कि यहाँ जैसे ही शाहरुख खान ने कोई ऑर्डर दिया उन गर्ल्स के द्वारा उस ऑर्डर को नहीं माना गया, यानी विद्रोह की स्थिति आ गई। लेकिन जब शाहरुख खान ने अपने आप को कोच के रोल से हटाकर मेंटोर के रोल पर लाए, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिविजुअली हर प्लेयर को वॉच करना शुरू किया, उसकी परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की, समाधान देने का प्रयास किया, तो फिर क्या हुआ कि वही टीम की एक एक गर्ल जो विद्रोह कर रही थी शाहरुख खान का एज अ कोच, वो सब गर्ल्स तैयार होकर के एक हो जाती हैं और उनके लिए पर्सनली जो उनकी राइवलनेस थी ना आपस में एक दूसरे के लिए जो ईर्ष्या द्वेष था वो कहीं परे हो जाता है और टीम भावना सामने आ जाती है। क्यों हुआ, क्योंकि जब तक एक कोच की भांति उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन अपनी टीम पर आजमाने चाहे तो उनको रिजेक्शन मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने कोच अपने स्टूडेंट को विश्वास में लेकर उनके अनुसार काम करना शुरू किया तो उनको एक्सेप्टेंस मिला, दैट इज द मेन डिफरेंस। ऐसे ही हम दंगल की बात करें तो
तो जो कोच था गीता बबीता का, उन्हें अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने हर वो कार्य किया जो अशोभनीय था, जो उन्हें अपने स्टूडेंट के साथ नहीं करना चाहिए था या महावीर सिंह के साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनके अपनी रणनीति में कमियां दिखाई जाने लगी थी स्टूडेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका आत्मसम्मान हर्ट हुआ और उन्होंने उस चीज को अपने प्रेस्टीज इशू पर ले लिया, है ना। और उस प्रेस्टीज के क्वेश्चन को बनाने के बाद उन्होंने अपने द्वारा वो नियम बनाए और स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी किया, राइट। लेकिन महावीर सिंह फोगाट ने भी अपनी बेटियों को दंड दिया था, दंड इन द सेंस कि उनको रजवाहे में डाल दिया कि अपने आप तैरना सीखो, है ना। लेकिन उनका मोटिव क्या था? जस्ट टू मेक देम ट्रेन्ड, उन्हें स्ट्रेंथ देना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना। तो एक मेंटोर क्या होता है, उसका अपना कोई ईगो नहीं होता, वो जो व्यक्ति उससे जुड़ा है उसकी भलाई के लिए काम करता है, अपने बंधे बनाए नियम किसी पर नहीं डालता, बल्कि वो सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार अपने नियमों को बदलता रहता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोच एंड मेंटोर। केंद्रित होता है, मेंटर जो है वो अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को संज्ञानित करते हुए अपने क्रियाकलाप करता है। तो आर यू सेटिस्फाइड मैम? बिल्कुल मैडम, चूंकि काफी देर से हम लोग जुड़े हुए, मेरी आवाज आ रही है मैडम ना? जी 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 सर, जी सर जी। तो सबसे पहले तो आपको इस बहुत ही अच्छे सेशन के लिए, जो आपने इतने अच्छे ढंग से हमारे कर जनपद हैं वहां से जुड़े हुए हमारे समस्त शिक्षक साथियों को आपने टीम ईडू लीडर्स की तरफ से और एसआई